नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बात करेंगे एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी में, एमपी बीजेपी खेमे में गजब का उत्साह है। उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि एमपी में फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। एमपी में विधानसभा चुनाव के नतीजे तो वैसे 3 दिसंबर को ही आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता अभी से खुश हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक एमपी में फिर से कमल खिलने जा रहा है। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी एग्जिट पोल से उत्साहित दिखे। उनका कहना था कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं जमीन तक पहुंची हैं और यही वजह है कि एमपी में इस बार फिर से बीजेपी आएगी। हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और जनता का प्यार और आशीर्वाद, केंद्र की योजनाएं भी, चाहे वो पीएम गरीब कल्याण योजना हो या पीएम किसान सम्मान निधि हो, पीएम आवास योजना हो, चाहे हमने पीएम किसान सम्मान निधि में सीएम किसान सम्मान निधि या कल्याण योजना की राशि जोड़ी हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो या अन्य बहुत सी योजनाएं, ये उन्हीं को ढंग से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही। शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी, जेपी नड्डा के अलावा अमित शाह का भी आभार जताया है। वही एमपी के एग्जिट पोल को लेकर कमलनाथ ने बयान दिया। कमलनाथ कह रहे हैं एग्जिट पोल से झूठा माहौल बनाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है, 3 दिसंबर का इंतजार कीजिए, एमपी में कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये दावा कर रहे हैं कमलनाथ। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश होएं और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये पर्यंत कामयाब होने वाला नहीं है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठन के प्रमुख और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी अपने अपने काम में जुट जाएं और निष्पक्ष मतगणना कराएं। हम सब जीत के लिए तैयार हैं, हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें या पीसीसी में 3 दिसंबर को फोन करें, मैं पूरे समय वहां रहूंगा। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। नतीजों के पहले ग्वालियर पहुंचे सिंधिया ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर से जनता के आशीर्वाद से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर से बीजेपी के प्रत्याशी प्रहलाद सिंह पटेल ने भी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल के अनुमान भी यही बता रहे हैं। प्रहलाद पटेल ने कहा कि हमने विरासत के साथ विकास भी किया। बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 3 दिसंबर को कई राज्यों में बीजेपी की भारी बहुमत से जीत होगी और इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि 3 से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है। केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया। बुरहानपुर में गांव के सहकारी बैंक में चोर की सारी कोशिश धरी की धरी रह गई और चोर को बैंक से भागना पड़ा। अब सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। बुरहानपुर के नावरा गांव के सहकारी बैंक की ये तस्वीरें हैं। बैंक में चोर घुसा है, देखिए इसने चोरी की पूरी तैयारी कर रखी है। चेहरे पर नकाब है, हाथ में ग्लव्स हैं, लेकिन जनाब की सारी होशियारी किसी काम नहीं आई। जैसे ही इसने लॉकर से छेड़खानी की, अलार्म बज गया। अलार्म के बजते ही चोर मौके से भाग खड़ा हुआ और बैंक में चोरी नहीं हो पाई। चोर के एंट्री से लेकर एग्जिट तक की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है।
शातिर चोर ने पहचान छिपाने की नीयत से ग्लव्स और काला लिबास पहन रखा था। हालांकि पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इस चोर की तलाश में जुटी हुई है। भोपाल और इंदौर में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है। भोपाल में तो हेड कांस्टेबल तक पर हमला हो गया, वहीं इंदौर में पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को देखिए, तस्वीरें भोपाल की हैं। कुछ लोग सड़क पर बेखौफ तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं, सड़क किनारे लगी गाड़ियों की कांच तोड़ रहे हैं, जबकि बाइक को गिरा रहे हैं। इनके हाथ में लाठी डंडे हैं। एक व्यक्ति ने इन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। घटना हबीबगंज की है। इन्होंने FRB पर भी हमला किया, यही नहीं हेड कांस्टेबल को निशाना बनाया। अब इंदौर की तस्वीरें देखिए, यहाँ कैफे में गाना बजाने की बात पर जमकर हंगामा हुआ। दो बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ की, युवक की बेल्ट और डंडे से पिटाई की। हालांकि बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। भिंड में भी बदमाश बेखौफ है। यहाँ बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की। फायरिंग के बाद राहगीरों में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि दहशत फैलाने के इरादे से लाहार चौराहे पर सरेआम फायरिंग की गई। तीन शहरों में बेखौफ बदमाशों के उत्पात ने लॉ एंड ऑर्डर पर जरूर सवाल खड़े कर दिए हैं। उम्मीद है पुलिस जल्द कार्रवाई करेगी। वहीं मुरैना में गैंगरेप के मामले में जिला कोर्ट ने तीन दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। दोषियों में दो सगे भाई हैं। मामला 2018 का है। पीड़िता घर में अकेली थी, तब दोषियों ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था। रायपुर में सिविल लाइन थाना इलाके में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां रिंग रोड PWD ब्रिज पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई और कार के परखच छोड़ गए। कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको निजी अस्पताल में एडमिट किया गया है उपचार के लिए। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के छात्र आए दिन हो रही नक्सली वारदातों से अब तंग आ चुके हैं। इन नक्सली गतिविधियों से यहां के छात्र इतने ज्यादा नाराज हो गए, परेशान हो गए कि उन्होंने कलेक्टर और SP से नक्सलियों की शिकायत की और नक्सली गतिविधियों पर तुरंत लगाम लगाने की मांग की है। इन छात्रों का कहना है कि नक्सली गतिविधियों की वजह से उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है, पढ़ाई अक्सर बाधित होती रहती है, वहीं परिजनों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता अब सताने लगी है। इन छात्रों का कहना है कि नक्सली ना सिर्फ विकास कार्यों को बाधित कर रहे हैं, बल्कि उनके भविष्य को भी अंधकार में धकेल रहे हैं, लिहाजा इनकी गतिविधियों पर तुरंत ही रोक लगनी चाहिए। अभी कॉलेज के छात्र छात्राएं, जिसमें से काफ़ी छात्र छात्राएं जो कि अंदरूनी क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो यहाँ आके ज्ञापन दिए हैं, जो नक्सलियों के द्वारा कायराना करतूत करते हुए टावर जलाया जा रहा है, उसके खिलाफ छात्र छात्राओं ने आवेदन दिया है। टावर जलाने के कारण बच्चों को पढ़ाई में परेशानी होती है, जो मोबाइल से वो अभ्यास करते हैं उनसे उनको परेशानी होती है, और अंदरूनी गाँव में जो बच्चे रहते हैं वो अपने माता पिता जी से बातचीत नहीं हो पाते, उनके काफ़ी पारिवारिक समस्या रहती है। जांजगीर चांपा के पंचायत छिपा दरिया की वन भूमि पर अवैध रूप से हरे भरे पेड़ों की कटाई कर बनाए गए सड़क को आखिरकार वन विभाग के अफसरों ने ब्लॉक कर दिया। दरअसल शिकायत के बाद वन विभाग की टीम ने वन भूमि पर बनी सड़क को दोनों ओर से JCB से खुदाई कर ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है। चितापरणी में अभी शिकायत प्राप्त हुआ था, गुरु मिनरल्स करके क्रशर प्लांट है, तो कि जो है वन विभाग में जो है अतिक्रमण करके वहां के जो रोड है उसको इस्तेमाल कर रहा था। तो अभी हमने जांच टीम भेजा हुआ था उड़न दस्ता को, और
दस्ता ने जो है अभी वो जो रोड जिसको इस्तेमाल कर रहे थे तो उसको बंद करा दिया है, और जो है कुछ पेड़ कटाई की भी शिकायतें उनसे मिली है, तो उसका भी अभी जांच चल रहा है, और पाया जाता है तो नुकसान अगर होता है तो फिर जो उनके ऊपर प्रॉपर केस किया जाएगा। मेरे द्वारा शिकायत ये किया गया था, सूचना के अधिकार लगाया गया था कि ये जो रोड बना हुआ है ये गुरुश्री मिनरल्स एक प्राइवेट संस्था है, उसके द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए यहाँ पर प्राइवेट अपना खदान है उसके माल को निकालने के लिए अपना ये निजी रोड बनाया है, ये वन विभाग के और रियर फॉरेस्ट के एरिए में। कितनी किस दूरी में बना है? ये लगभग 1 किलोमीटर से ऊपर है। कैसे टाइप का ये वन विभाग की जमीन में रोड बना है? ये रियर फॉरेस्ट है। बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद हो गया, नगर निगम की टीम के साथ कहा सुनी हुई है, दुकानदार के साथ विवाद हुआ है, नगर निगम की टीम का मौके पर आला अधिकारी पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको हम बिलासपुर से बता रहे हैं जहां पर अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद हुआ है, नगर निगम की टीम के साथ कहा सुनी हो गई दुकानदार और नगर निगम की टीम के साथ विवाद हुआ, आपस में उलझ गए दोनों ही, नगर निगम की टीम और दुकानदार, मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और मामले को शांत कराने की कोशिश की है। तो जाहिर सी बात है जब नगर निगम की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची होगी, दुकानदार ने इसका विरोध किया होगा और विरोध की वजह से ही विवाद हो गया अतिक्रमण हटाने के दौरान। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता उमेश मौर्य, जुड़े हुए हैं फोन पर। उमेश, क्या जानकारी है, विवाद की वजह क्या रही? सुमित, देखिए लगातार नगर निगम जो है वो अतिक्रमण और अवैध प्लाटिंग जो कर रहे हैं उन पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी पर जो उठलापुर रोड पाटीदार भवन है वहां पर निगम के द्वारा नाली निर्माण कार्य कराया गया था, जहां पर जो त्रिमूर्ति हार्डवेयर के संचालक है उन्होंने विवाद शुरू कर दिया था, और ये क्यों विवाद शुरू किया क्योंकि जहां पर नाली निर्माण हो रहा था उनका ये कहना था कि वो जो जमीन है उनकी है, लिहाजा वो अतिक्रमण उस नाली निर्माण वाली जगह को कर लिया था, जिसको लेकर कहा सुनी हुई और अतिक्रमण दस्ते के बीच दुकान संचालक के जमकर विवाद हुई। स्थिति ये थी कि तनाव की स्थिति बनी और मौके पर जो है पुलिस और तहसीलदार पहुंचे हुए हैं, फिलहाल मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ये देखा जा रहा था लगातार कि अतिक्रमण दस्ते के बीच कहीं ना कहीं जब अतिक्रमण हटाने जाते थे तो वहां पर विवाद की स्थिति बन जाती थी, ऐसे में नगर निगम ने पुलिस बल को भी साथ में यहां पर लेकर जाने शुरू की थी, लेकिन आज के मामले पर जैसे ही जानकारी मिली कि अतिक्रमण दस्ता जो है वो नाली निर्माण के कार्य में बाधा पहुंचाने वाले जो वहां दुकान संचालक है वहां पर विवाद शुरू कर दिया था, मौके पर पहुंचकर इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, फिलहाल विवाद की स्थिति अभी भी बनी हुई है, मौके पर आला अधिकारी जो है वो समझाइश देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है उमेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बदहाली पर हाईकोर्ट में सिम्स के ओएसटी ने माना है कि सिम्स के डॉक्टर्स में वर्क कल्चर नहीं है और इसे वापस पटरी पर लाने में अभी बहुत समय लगेगा। दरअसल सिम्स की बदहाली पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने डीन और एमएस को व्यवस्था बनाने में असफल बताते हुए अगली सुनवाई की तारीख 6 दिसंबर तय की है। रीवा में रेत का अवैध खनन लगातार जारी है। त्योथर तहसील में टमस और बेलन नदी का सीना रेत माफिया छलनी कर रहे हैं मशीनों से। बरुआ, तमसार, तिघाट, बाबूपुर चिल्ला सहित कई दर्जनों से अधिक घाटों में अवैध रेत खनन हो रहा है। नाव और ट्रैक्टर से एमपी से खनन कर रेत यूपी भेजी जा रही है, वहीं प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं करने के आरोप लग रहे हैं। जो पुलिस को जानकारी मिली है उस पर पुलिस ने कई मामले पंजीबद्ध किए हैं, जो त्योंथर और चिल्ला घाट की बात है, और जो आपने बड़े स्तर पर मशीन से जो रेत उत्खनन हो रहा है इसके बारे में मैं भी पुष्टि करूंगा और संबंधित विभाग, माइनिंग विभाग और खनिज विभाग के अधिकारियों को इसके बारे में सूचित करना होगा और राजस्व की टीम मिल करके इस पर जरूर कार्रवाई होगी आगे। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।
हेडलाइन